हाँ बस इतना है कि अगर मैं अपने गांव में ब्लॉग बना लेती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, अपने गांव के लोगों के सामने में आ जाती हूँ, अपने परिवार लोगों के सामने में आ जाती हूँ, तो बस इतना है कि मेरा तमाशा बनेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो यही सोचकर मैं मंदिर जाना कैंसिल कर दी। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो हमारे गांव में नवरात्रि हो रही है दोस्तों, और बहुत जोर शोर से नवरात्रि होती है। तो बाजा गाजा के साथ कुछ लेडीज लोग साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रही है दोस्तों। तो घर के सामने में ले चलती हूँ, हमारा मेन रोड है और उसी रोड में हर गांव का आना जाना होता है दोस्तों। सभी गांव का आना जाना होता है, एकदम मेन रोड है ये, कोई पर्सनल रोड नहीं है, हमारा मेन रोड है। सभी गांव के लोग इसी रास्ते में, इसी रोड में आना जाना करते हैं। तो मैं आप लोगों को घर के सामने ले चलती हूँ और दिखाती हूँ, लेकिन मैं घर अंदर में ही दिखाऊंगी दोस्तों। बाहर निकलकर उन लोगों का मैं वीडियो बनाऊंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी, और आप लोग तो जानते ही हैं। तो अभी वो लोग थोड़ा दूर में है तो मैं धनिया लगाई हूँ तो उसको मैं दिखा देती हूँ, और मंदिर जाने की मैं भी तैयारी करूँगी दोस्तों। आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो उससे पहले हम लोग उन लोगों को देख लेते हैं, और मैं धनिया लगाई हूँ उसे भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मंदिर जाऊंगी तो फिर आप लोग भी मेरे साथ चलना। तो यहाँ पर हम लोग धनिया लगा लिए हैं दोस्तों, लेकिन अभी नहीं निकला है, 7-8 दिन में निकल जाएगा, और 2-3 दिन तक पानी डाले हैं, ज़्यादा पानी डालने पर सड़ जाता है। तो ये रहे दोस्तों, इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से साष्टांग प्रणाम करते हुए ये लोग जाते हैं मंदिर तक। मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हो चुकी थी दोस्तों, और गांव के लोग रात में ही कुशलाई मंदिर जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि के समय में। तो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं और जो भी रिश्तेदार आए हैं, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं और जो भी उनके घर में रिश्तेदार आए हैं, तो वो सभी रात में ही मंदिर जाते हैं, कुशलाई मंदिर नवरात्रि के समय में। और जो दूर दूर के गांव के लोग रहते हैं दोस्तों, जिनका कोई यहाँ से लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, तो वो लोग दिन में आकर चला जाया करते हैं। दिन में आते हैं, उनकी भीड़ दिन में लगती है, और गांव के लोगों को भीड़ और गांव के लोग के भीड़ रात में लगती है। तो मैं भी तैयार हो गई थी जाने के लिए दोस्तों, क्योंकि गांव के लोग रात में ही जाते हैं। तो मैं खाना वाना खा के पूरी तरह से रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। तो मैं पूछी एक बार बच्चों से कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अपने बच्चों से पूछी कि आज मैं मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। 15-16 साल हो गया मंदिर गए हुए मुझे, तो इसीलिए अपने बच्चों को मैं पूछी। तो मेरे बच्चे लोग बोले कि माँ मत जाओ मंदिर, ऐसे करके मना किए, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ दोस्तों मंदिर जाने के लिए। और जिस जगह में नन्ही के नाना का जन्मभूमि है, मतलब बाजार चौक में, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, तो वहाँ का पड़ोसी मेरा छूट गया दोस्तों, और ऊपर से घर के परिवार लोग भी छूट गए हैं। तो अभी उन लोगों के बीच में मेरी बातचीत नहीं होती है, और पड़ोसियों से भी मेरी उतनी अब बात नहीं होती है। लगभग यहाँ पर आए हुए हम लोगों को 12-13 साल हो गया है, और यहाँ पर मैं उतना किसी के घर में आना जाना नहीं की हूँ दोस्तों, ना उतना मैं किसी को अपना साथी बनाई हूँ। तो इसलिए अकेले जाने में थोड़ा अच्छा मुझे नहीं लगा।
और ऊपर से दोस्तों हमारा जो घर है, हमारा जो पोजीशन है, एक बड़े लोगों के में गिनती आती है दोस्तों। तो अभी थोड़ी मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, अब मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकती दोस्तों, किसी दिन मैं बताऊंगी। तो इसलिए मैं नहीं गई मंदिर, और ऊपर से मेरा उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बना है, 1 साल हो चुका मुझे ब्लॉग वीडियो बनाते हुए, तो उतना मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं बन पाया है, ना ही उतना व्यू देखने वाले नहीं बन पाया है। तो इसीलिए मैं मंदिर नहीं गई। मेरे बच्चे लोग मुझे रोक दिए कि मत जाओ मंदिर, वीडियो बनाओगी वहाँ पर, ऐसे तो नहीं जाओगी, वीडियो बनाओगी वहाँ पर और कोई देख लेंगे तो फिर तमाशा बन जाएगा, और वैसे में भी हमारा बहुत तमाशा बन चुका है अपने पड़ोसियों और अपने परिवार के बीचों में। तो हम लोग गलत नहीं रहते हुए में भी हमारी तमाशा बन चुकी है, तो और तमाशा भी मत बनाओ माँ, ऐसे कहा कि मेरे बच्चों लोग मुझे समझाएं, मत जाओ अभी, आपका सब्सक्राइबर बढ़ने दो, आपका व्यू भी बढ़ने दो, फिर उसके बाद आप मंदिर चले जाना। अगर जिंदगी रहेगी तो ये नवरात्रि आते रहेगी, और साल में 2 बार होती है नवरात्रि, एक ये दशहरा के टाइम में होता है और दूसरा रामनवमी के टाइम में होता है। तो इसीलिए मेरे बच्चे लोग मना कर दिए। सब्सक्राइबर बन जाते हैं दोस्तों, कभी कभी कोई सब्सक्राइबर हट जाते हैं, कहीं मुझसे गलती हो जा रही है या क्या हो रही है ये मैं ही नहीं जानती हूँ दोस्तों। मैं सबका वीडियो देखती हूँ, और वीडियो देखने का कारण भी है मेरा कि मैं सीखती हूँ भी, और ये भी देखती हूँ कि कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं। बस इतना है दोस्तों कि मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता है, तो अब यही मेरी गलती हो रही होगी, और ये गलती मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं उन लोगों जैसे कोई कैमरा मैन नहीं रख पा रही हूँ, ना ही मेरे घर में कोई कैमरा मैन है, तो इसीलिए मेरा व्यू भी उतना नहीं बढ़ रहा है और ना सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा है। मैं तो अभी ना सोच रही थी कि अब बंद कर दूं, इससे कहा कि अब क्या मेहनत इतना करूं, बेकार में मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, खाने पीने का मेरा शुद्ध नहीं रहता है, जब तक मैं वीडियो नहीं बना लेती हूँ, जब तक मैं एडिट नहीं कर लेती हूँ, तो खाने पीने पर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बहुत भाग दौड़ करती हूँ, मैं सूख भी जा रही हूँ, कमज़ोर पड़ते जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो मेरा उतना सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, ना ही व्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए बच्चे लोग मना कर दिए कि तमाशा मत बनाओ, अभी मत जाओ। तो मैं भी सोची कि सही बोल रहे हैं ये लोग, और मेरा भी उतना मन नहीं था दोस्तों, अगर मैं मंदिर चली जाऊंगी तो मैं उतना में वायरल होने वाली नहीं हूँ, ऐसे मैं बहुत जगह में जा चुकी हूँ, वायरल नहीं हुई हूँ, फेमस नहीं हुई हूँ, हाँ बस इतना है कि अगर मैं अपने गांव में ब्लॉग बना लेती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, अपने गांव के लोगों के सामने में आ जाती हूँ, अपने परिवार लोगों के सामने में आ जाती हूँ, तो बस इतना है कि मेरा तमाशा बनेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। तो यही सोचकर मैं मंदिर जाना कैंसिल कर दी। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, बहुत रात हो चुका, और क्या मैं लाइक और सब्सक्राइब की बात करूं दोस्तों, आप लोगों की मर्जी है।